हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? होप आप लोग सारे अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो नई ब्लॉग में। तो आज की वीडियो में ना मैं बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करने वाला हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको बता दूँ कि मेरे चैनल में लगभग मेरे को 2 साल हो चुके हैं काम करते हुए, और मैंने 350 से ज़्यादा वीडियोस डाली है, जिसमें मेरे 300+ ब्लॉग्स हैं और कुछ कॉमेडी शॉर्ट्स वगैरह जो हम बनाते हैं, जो हम और प्लेटफॉर्म में डालते हैं, वो सारी चीज़ें डाल रखी है। आप लोग सोच रहे होंगे मैं ये सारी चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यार आज जो है, आज मैं अपने चैनल का नाम जो है वो चेंज करने वाला हूँ। जो मेरे चैनल का नाम है अभी कंटेजियस गुसाई, उसको मैं चेंज करके अनजाना प्रिंस रखूँगा। क्योंकि जो अनजाना प्रिंस है यार, ये काफ़ी टाइम से, मतलब सभी प्लेटफॉर्म में इसी नाम से मेरी आईडी बन रखी है। तो आज जो है अनजाना प्रिंस का भी मैं खुलासा कर देता हूँ यार। मैं आपको अनजाना प्रिंस का खुलासा करते हुए बताता हूँ कि जो है, काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि यार ये अनजाना प्रिंस, तूने अपना नाम अनजाना प्रिंस क्यों रखा हुआ है? तो यार मैं आपको बताता हूँ कि जो आज की जनरेशन है 2000 के बाद वाले, उनको बता देता हूँ कि भाई कभी 2006 या 2007 में ना ऑर्कुट नाम की एक चीज़ थी। ऑर्कुट बहुत कम लोगों ने चलाई होगी, हमने तो बहुत चलाई है यार ऑर्कुट। ऑर्कुट में स्क्रैप सेंड होते थे, मैसेज वगैरह नहीं जाते थे, वहाँ पे हम स्क्रैप सेंड करते थे, एक दूसरे को स्क्रैप पोस्ट करते थे। तो वहाँ पे मतलब तब मैंने 2008 की बात है, 2008 या 2007 में मैंने फर्स्ट आईडी बनाई थी अनजाना प्रिंस के नाम से। तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगता था ये नेम अनजाना प्रिंस, मैंने इसी नाम को आगे कंटिन्यू किया। मैंने सोचा यार मैं आने वाले टाइम में इस नाम को ही फेम दूंगा। तो आज की डेट में वो टाइम था और आज का टाइम है यार। 2020 के बाद अभी तक ये नाम सदाबहार चल रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि ये नाम जो है राइट नाउ, मैं आपको बता देता हूं कि यूट्यूब पे मेरे 2000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं, इंस्टाग्राम में भी 10,000+ फॉलोअर है, और मौज पे भी मैंने रिसेंटली काम करना शुरू किया है। तो हर अलग अलग प्लेटफॉर्म में मैंने काम किया है, और इस नाम को मैं ज़्यादा से ज़्यादा फेमस करना चाहता हूँ, और अपने आप को अपने कंटेंट के थ्रू मैं लोगों को मतलब अपनी चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। जो चैनल है, चैनल का नाम चेंज करने का कुछ रीज़न ये भी है, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे ये बोले थे, मेरे फ्रेंड्स वगैरह, कि हो सकता है कि तुझे रीच जो है इसलिए नहीं मिल रही, क्योंकि जो मेरे चैनल का नाम है कंटेजियस गुसाई, काफ़ी टफ टू प्रोनाउंसिएशन है, मतलब काफ़ी टफ है लोगों को प्रोनाउंस करने के लिए, जिसकी वजह से हो सकता है, ये भी एक रीज़न हो सकता है, काफ़ी सारे लोगों ने बोला है। तो यार अगर काफ़ी सारे लोग एक चीज़ को बोल रहे हैं तो वो गलत नहीं बोल सकते। तो ये भी मेरा एक रीज़न है कि मैं अपने चैनल का नाम चेंज करूं। तो यार मैं बहुत टाइम से सोच रहा था, बट मेरे को कोई अच्छा दिन नहीं मिल रहा था। तो आज कोई अच्छा दिन नहीं है, आज आपको मैं बता देता हूं, अनाउंसमेंट कर देता हूं कि मैं अपने चैनल का नाम चेंज कर दूँ। तो यार बस इतना ही, आप मुझे अपना प्यार हमेशा देते रहें यार, हम अपना काम करते रहेंगे, कभी ना कभी कामयाबी तो मिलेगी यार। कहते कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। भाई 2 साल हो गए मुझे अपने प्लेटफॉर्म में काम करते हुए इस नाम के साथ। तो बहुत ज़्यादा मैंने मेहनत करी है इस प्लेटफॉर्म में अपने नाम को फेमस करने के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने अपने प्लेटफॉर्म में 300 से ज़्यादा वीडियोस अपलोड करी है, और 50 से ज़्यादा शॉर्ट्स मैंने इस पे डाल रखे हैं, जो कि शॉर्ट्स है मैं अलग अलग प्लेटफॉर्म में डालता हूँ, यूट्यूब पे मर्ज नहीं करता। तो अभी गाइस फाइनली जो है, मैं अपने चैनल का नाम चेंज करने जा रहा हूँ अनजाना प्रिंस, जो कि मैं बहुत टाइम से सोच रहा था। तो मैं यार आप लोगों से यही उम्मीद रखता हूँ कि जितना प्यार मुझे आपने मेरे पिछले नेम से दिया था कंटेजियस गुसाई से, उतना ही प्यार आप इस नाम को दीजिए अनजाना प्रिंस को। तो जो है इजी टू प्रोनाउंसिएशन भी है, आप इजीली किसी को बोल सकते हो कि यार मेरे दोस्त का यूट्यूब का चैनल है अनजाना प्रिंस, आप सब्सक्राइब जरूर करें। तो यार आप, आपको ना हम और मजेदार वीडियोस देते रहेंगे और अच्छी अच्छी जगह को एक्सप्लोर करेंगे, बने रहे हमारे साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।